जय माँ दुर्गा। स्वागत है दोस्तों आप सभी को सुभ्रास किचन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चिकन मसाला। दोस्तों चिकन मसाला बनाएंगे मेरे हस्बैंड, तो आज मैं नहीं बनाऊंगी, वो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्याज, लहसुन और अदरक। दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट के रखा है। 100 ग्राम लहसुन लिया है और दो पीस अदरक के, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के रख दिया है। तो हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब दो बड़े साइज के प्याज को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। छोटे साइज के तीन टमाटर लेंगे और चिकन मसाला दो पैकेट लेंगे छोटा साइज का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे एक बड़ा सा कढ़ाई, उसमें लेंगे मस्टर्ड ऑयल और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे आधा चम्मच शुगर। ये देखिए दोस्तों चीनी अब पिघलना शुरू हो गया है। ये देखिए पूरी तरह से जब चीनी पिघल जाए तब उसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। ये देखिए हमने डाल दिया है यहाँ पर। इसको अब हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। इस तरीके से देखिए प्याज को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। दोस्तों यहाँ पर हमने चिकन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है तो इसलिए कढ़ाई भी बड़ा साइज का लिया है। ये देखिए लगभग भून चुका है हमारा प्याज। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से डाल देंगे और इसको फिर से हम अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक मसालों को भुनेंगे। दोस्तों जब हम ये देखिए मसालों में प्याज का पेस्ट डालते हैं तभी इसको हमें अच्छी तरीके से भुनना होगा, नहीं तो प्याज का जो कच्चापन होता है उसका खुशबू सब्जी का टेस्ट को ख़राब कर देता है, अलग सा टेस्ट चला आता है। तो जब हम प्याज का पेस्ट किसी सब्जी में डालें तो उसको अच्छी तरीके से भुनना होता है। ये देखिए अच्छी तरीके से प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट को हम भुनेंगे। ये देखिए भुन चुका है मसाला हमारा, किनारों से तेल छोड़ना शुरू हो गया है। देखिए ये देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से भुन गया है। तो इसमें हम अब डालेंगे चिकन को। ये देखिए चिकन को हम साफ कर लेंगे और इसमें डाल देंगे मसालों में, चिकन को डाल देंगे हम। अब इसको मसालों के साथ चिकन को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों क्वांटिटी के हिसाब से ये जो कढ़ाई है थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो दिक्कत हो रही थी मिलाने में। यहाँ पर हमारा चिकन का क्वांटिटी भी ज़्यादा है इसलिए हमने मसालों का यूज भी थोड़ा सा ज़्यादा किया है। ये देखिए अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। इस तरीके से हमें 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में और इसको पकाएंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट होने के बाद अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर से हम इसको इस तरीके से बीच बीच में चलाएंगे। जब नमक डालते हैं तो इससे पानी निकलता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको 5 से 7 मिनट फिर से पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और तीखा लाल मिर्च का पाउडर। जितना तीखा आप खा पाए उसी हिसाब से तीखी लाल मिर्च का पाउडर आप डालेंगे। ये देखिए फिर से हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों अब इसको हम इसी तरीके से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमें छोटा छोटा नहीं, इस तरीके से लंबे लंबे करके काटना है। डाल देंगे टमाटर को और फिर से अच्छी तरीके से टमाटर को चिकन के साथ मिला लेंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों पर टेस्ट भी उसी तरह का आएगा। ये देखिए अब हम इसमें बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे फिर से। ये देखिए फिर से हमें 5 मिनट तक इसको इस तरीके से पकने देना है। 5 मिनट हो गया है दोस्तों, बीच बीच में चलाएंगे। अब हम ऊपर डाल देंगे चिकन मसाला। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट चिकन मसाला डाला है हमने। ये देखिए फिर से इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे मसालों को।
दोस्तों आज की ये चिकन करी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो इसीलिए ट्राई ज़रूर कीजिए। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसको हम 15 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। सारे चिकन को पानी के साथ, मसालों के साथ ये देखिए अच्छे तरीके से मिला लेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। 15 मिनट हम पकाएंगे इसको। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा चिकन। ये देखिए दोस्तों, लगभग 12 मिनट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता ऊपर से और इसको 2 से 3 मिनट फिर पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बन के रेडी है हमारा चिकन मसाला। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म सर्व करते हैं और सबको खिलाते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, एक बार बनाइए ज़रूर और कमेंट में लिखिएगा भी ज़रूर कैसा बना था। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म रेडी है हमारा चिकन मसाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक दोस्तों बाय बाय।